around a week ago, I got my German driving license, and when you get your German driving license, you will initially get a page like this, which will be valid for like 14 days or 2 weeks, and then you will get a card. So I'm waiting for my card. And meanwhile, so many of my friends are already asking me about the process and the steps and the cost and everything. So today we will be talking about all of that. And I am a bit of hungry, as I'm always hungry, and we can just go downstairs because it's getting really hot here in Germany, and I don't want to turn on the fan to have the background noise in the video. Hello friends, if you are new here, I am Ali and I'm a student, master's student based in Germany. So before I tell you how you can get your German driving license, I would like to motivate you with a fun fact about driving in Germany, that in Germany, mostly on autobahns, you can see a sign like this, and जब भी आपको ये sign नजर आएगा तो आप बगैर किसी speed limit के जितनी तेज गाड़ी चलाना चाह सकते हैं आप चला सकते हैं on motorway. So after that sign, you have no speed limits, and it's just you and your car and the road conditions. Obviously, like अगर आपके सामने बिल्कुल एक गाड़ी है तो फिर आप ये नहीं है कि उसमें आप टक्कर मार दें, आपने ब्रेक लगानी है और इंसानों की तरह चलाना है. बट अगर कोई गाड़ी नहीं है और आपके पास खुली जगह है तो यू कैन ड्राइव एज फास्ट एज यू कैन. एंड इट्स वेरी फेमस कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं जर्मनी में आते हैं to drive on the autobahn without any speed limits. And also here in Germany you can rent supercars for very cheap prices, and then you can enjoy different kind of cars like Audi, BMW and all those cars. Even Tesla, you can also get that, and then you can drive that on the autobahn without any speed limits. Let's dive into the very first step, which is the requirements, which documents you will be needing and what are the basic general requirements. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए. यू शुड नॉट बी अंडर एज. एंड देन यू शुड हैव योर पासपोर्ट विद यू. आपके पास पासपोर्ट हो, उसके अलावा आपके पास जो बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. दैन वेरी बेसिक थिंग यू शुड हैव अ पासपोर्ट फोटो. पाकिस्तान से जो हम फोटो लेते हैं दैट्स गुड इनफ. मैंने भी वही वाली यूज़ की थी. उसके बाद दो चीज़ें हैं, आई टेस्ट एंड first aid test. So the eye test and first aid test you can do it at your driving school as well. और ये जो होता है आप ड्राइविंग स्कूल से रजिस्ट्रेशन किए बगैर ही आप ले सकते हैं. सो आप जो है किसी भी ड्राइविंग स्कूल से कांटेक्ट करें एंड देन आस्क देम दैट आई नीड माय आई टेस्ट एंड फर्स्ट एड टेस्ट. तो यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, और एक ही दिन आप अपॉइंटमेंट बुक करके ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं. द कॉस्ट जो है इसकी वो मैं एंड पे बताऊँगा. वी विल समराइज एंड सम अप ऑल द कॉस्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स. सो इसके अलावा जो है दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी. पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऑसलैंडर बिहोरे. ऑसलैंडर बिहोरे जो है वो लाइक वीज़ा ऑफिस है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल जो लोग आते हैं जर्मनी में उनको हैंडल करता है. तो ऑसलैंडर बिहोरे के पास आपने जाके एक डॉक्यूमेंट लेना होता है विच इज़ लाइक द डॉक्यूमेंट फॉर कि आप जर्मनी में एंटर कब हुए हैं. आई विल एंटर द स्पेसिफिक नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बिलो. यू कैन सी दैट एंड रीड दैट ओवर देयर. और उसके अलावा आपको जो है देर आर टू डिफरेंट वेज इन विच यू कैन गेट जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस. वन इज़ द क्विक वे एंड वन इज़ द स्लो वे. Or like we can say one is the shortcut way and one is the long way. So जो shortcut way होता है उसमें आपके पास ये होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप जो है उसका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के वो साथ लेके आएँ. और आपने जैसे ही जर्मनी आना है तो आपने विद इन 6 months ये प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देना है. अगर आप 6 months के अंदर अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो दैन यू कैन नॉट टेक द शॉर्ट वे. सो आपको लॉन्ग वे लेना पड़ेगा. तो शॉर्ट वे में आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है विच इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस. तो जर्मनी में जो सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो जर्मन लैंग्वेज में होती है. तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा बिकॉज इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा. तो उसकी ट्रांसलेशन आपने करवानी होती है एंड दैट इज़ यूजली डन फ्रॉम RAAC और ADAC ऑफिस. और ये सारी चीज़ें जब आपके पास तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे देन यू हैव टू टेक दोज डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू हैव टू टेक देम टू ऑर्गनम्जाम। ये एक ऑफिस होता है जिसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल मैप्स एंड यू विल गेट योर nearest driving nearest office, and then you can just call them and book them an appointment over there. A pro tip that I would like to give you over here is that before starting anything, I would like you to search for different driving schools. Driving schools ko mukhlif search kare on Google Maps, and then you can get their numbers. You can see when they are open, or आप ये देखें कि कोई ऐसा आपको driving school मिले जो कि इंग्लिश में आपको सारी चीज़ें जो है समझा दे, एंड दे विल ऑल्सो अपडेट यू विद द टिप्स एंड दे विल टेल यू द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मोस्टली चेंज होती रहती हैं। ओके, सो वंस यू हैव गॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम योर ड्राइविंग स्कूल, लाइक आपने ड्राइविंग स्कूल से पता कर ली सब रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, दैन यू हैव गॉन टू द ऑफिस एंड आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करा दी। सो दैन यू विल बी वेटिंग फॉर फ्यू डेज और आपको एक लेटर रिसीव होगा, क्योंकि जो जर्मन्स हैं दे आर रियली इनटू दिस मेल थिंगी, और जर्मनी में बहुत ज़्यादा मेल्स आती हैं। So then you will get the mail, and after receiving that document you are officially allowed to sign up with a driving school, and then you have to do your theoretical test in 1 year. तो उस document में एक deadline लिखी हुई होगी कि तब तक आपको अपना theoretical lesson pass करना है। अगर आप तब तक pass नहीं करते then you have to submit your application again, और हो सकता है कि जब आपने अगर क्विक वे या शॉर्टकट वे में इनिशियली एप्लीकेशन सबमिट किए तो लेटर ऑन आपको फिर लॉन्ग वे वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जर्मनी आए हुए 6 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका होगा। वंस यू गेट दैट डॉक्यूमेंट बैक इन विच यू आर मेंशन द डेडलाइन कि कब तक आपने अपना थ्योरेटिकल टेस्ट करना है, अब आप जो है एक ड्राइविंग स्कूल के साथ साइन अप करेंगे। एंड the thing is that you have to now sign up with a driving school. You can find a good driving school around you. और इसके 2 तरीके हैं कि आप गूगल पे मुख्तलिफ ड्राइविंग स्कूल्स फाइंड करें और उसके बाद उनके साथ कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि उनकी फ़ीस कितनी है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, और उसके बाद वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये सारी चीज़ें पूछने के बाद देन यू कैन साइन अप विद अ ड्राइविंग स्कूल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद द कम्यूनिटी अराउंड यू, एंड इफ़ एनीबडी हैज़ gotten the driving license before, you can get in touch with them and then ask them that which driving schools are better, and then you can join them. तो ड्राइविंग स्कूल का जो बेसिक काम ये होता है कि वो आपको एक तो जो थ्योरेटिकल लेसन्स होते हैं, थ्योरेटिकल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं वो आपके ड्राइविंग स्कूल में होंगी, एंड यू कैन टेक देम। अब फ़र्क क्या आ जाता है कि अगर आप लॉन्ग वे में जा रहे हैं तो दैन ड्राइविंग लेसन की जो क्लासेज होती हैं, ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो थ्योरेटिकल क्लासेज होती हैं, दे आर मस्ट। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर द शॉर्ट वे, तो जो आपकी थ्योरेटिकल क्लासेज होती हैं दे आर नॉट अ मस्ट, यू कैन जस्ट स्किप दैम। आपको जो आपका ड्राइविंग स्कूल है वो पहले से ही एक ऐप प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप जो है अपनी थ्योरेटिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई विल टेल यू द डिटेल्स अबाउट हाउ and what kind of questions are gonna be there in the theoretical test in a moment, but ये है कि I would recommend you कि एक ऐप है ऑन प्ले स्टोर एंड ऑन iOS it's also available, आप वो डाउनलोड करें। इट्स फ्यूरा शाइन गोल, इट्स नॉट गना बी दैट मच एक्सपेंसिव, लाइक 5 to 7 euros, that's it। और ये आप परचेज़ करके यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर थ्योरेटिकल टेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने भी ऐसे ही किया था। So once you sign up with your school, then school will help you with all the stuff like your registration for theoretical test, आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसकी रजिस्ट्रेशन, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। तो आपने उसके बाद कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू बुक अपॉइंटमेंट विद योर ड्राइविंग स्कूल के अच्छा अब मैंने जो है आई एम रेडी फॉर द थ्योरेटिकल टेस्ट। लाइक ऐप के ऊपर जब आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे होंगे देन यू विल गेट टू नो दैट ओके सो आई एम getting most of the questions right, so then you can just go for your theoretical test. And also the payments के लिए आपको ये नहीं है कि किस स्पेशल जगह पे जाके कहीं पे पेमेंट करानी पड़ रही है, आपने अपने ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही पेमेंट करनी है। तो let's move on to the next step. At this point you have done the one major, basic and huge step, and अभी तक आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस और आपके दरमियान में दो मेजर हर्डल्स रह गई हैं। पहली हर्डल जो है वो है थ्योरेटिकल एग्ज़ाम। सो लेट्स टॉक अबाउट थ्योरेटिकल एग्ज़ाम। जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है दैट इज़ यूजली फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के अंदर देयर आर गोना बी डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो जस्ट 1 पॉइंट के होंगे, कुछ जो है 5 पॉइंट्स के भी हो सकते हैं। एंड एमसीक्यूज क्वेश्चंस could have multiple correct options, like it's not like आपने एक option select की correct वाली तो you got the answer right. Sometimes you will have to select 2 to 3 options, correct options, to get it right. और उसके अलावा ये है कि कुछ MCQ question जो होंगे they will be video based, like you will be shown a video first and then you have to pick the options according to the situation. And कुछ question जो होते हैं they will show you a sign, a road sign, like stop sign or speed limit or something like that, and then you have to tell that what is this sign about. So इस तरह के जो हैं वो questions होंगे, and there are around 1200 questions, and mostly जो app के अंदर questions होते हैं they are same, and जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो भी questions same होंगे. But still I would say that it's very crucial to get all the concepts, because there are few different rules which are not followed in other countries, like right before left rule is very famous one, and this is very important to learn all the concepts and all the cases of this rule. और इसके ऊपर जो आपका question आएगा वो होगा भी 5 नंबर का, तो it's very important thing. And other thing that I want to tell you that in order to pass your driving theoretical exam, आपके पास तकरीबन 10 पॉइंट्स लूज़ करने की ऑप्शन होती है। अगर आपने 10 पॉइंट्स लूज़ कर दिए तो यू कैन गेट, अगर आप 11 पॉइंट्स लूज़ करते हैं या यू लूज़ इवन मोर देन 10 पॉइंट्स, यू विल फेल इन योर थ्योरेटिकल टेस्ट। उन क्वेश्चंस को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको ऐप से समझ नहीं आ रही तो देयर आर लाइक यूट्यूब वीडियोस, देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट, जिसमें वो आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे लाइक रियल केस सिनारियोज के साथ, एंड देन यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव पास योर थ्योरेटिकल टेस्ट, एंड अब जो है आपके और आपके ड्राइविंग लाइसेंस के दरमियान दो बड़ी हर्डल्स की बजाय सिर्फ एक हर्डल रह गई है, और वो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले आपने जो है प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी होती हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, और ये क्लासेस जो हैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के दरमियान होती है, और ईच आवर विच इज़ नोन एज स्टुंडे इन डॉयच, तो वो जो है 45 मिनट्स का होता है। अगर आप 2 घंटे की क्लास एक साथ करें तो यू हैव टू स्पेयर अराउंड 1.5 आवर्स एट अ टाइम इन अ डे। और आपकी जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइसेंस हैं ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है, आपके इंस्ट्रक्टर के पास कितना ज़्यादा टाइम है, और जो है आप कितने लेसन्स एक वीक में ले सकते हैं। लेट मी टेल यू अनदर फन फैक्ट अबाउट दिस थिंग दैट आप जो है अपने प्रैक्टिकल लेसन जो हैं यू कैन इवन स्टार्ट दैम बिफोर पासिंग योर थ्योरेटिकल टेस्ट। इट कीप्स यू मोटिवेटेड एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू to understand different concepts and how, like, right before left rule is applied, and you will also be seeing different kind of signboards on the roads, and then your instructor will be telling you that okay, here you have to stop, here you have to consider the speed limit and all that stuff. तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी clear होती जाएंगी with the help of your practical lessons। और आपको तकरीबन 35 से 40 आवर्स के प्रैक्टिकल लेसन्स चाहिए होते हैं इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव। बट अगर यू आर ऑलरेडी ड्राइविंग इन पाकिस्तान और इन योर होम कंट्री, देन यू कैन बी एलिजिबल फॉर गोइंग फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अर्लियर। लाइक जैसे मैंने जो है तकरीबन 22 से 24 आवर्स के लेसन्स किए थे, उसके बाद माई इंस्ट्रक्टर सेड दैट आई एम एलिजिबल टू गो फॉर द एग्ज़ाम। तो इसी तरीके से इट डिपेंड्स ऑन आप कितने ध्यान से गाड़ी चला रहे हैं एंड हाउ मच फोकस यू आर वाइल ड्राइविंग, और आप जो है साइंस का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। एंड देन देर आर फ्यू क्रिटिकल थिंग्स विच आई विल टेल यू दैट जर्मनी में वो बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं एंड विच आर नॉट यूजली प्रेजेंट इन अदर कंट्रीज। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट शोल्डर ब्रेक। सो आपको ये करना पड़ता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज द लेन और यू आर गोइंग टू टेक द टर्न, राइट और लेफ़्ट टर्न, So first of all you will have to see in the back view mirror जो कि दरम्यान में लगा हुआ होता है, उसके बाद आपने जो side mirror है उसमें देखना होता है, and then you have to turn on the indicator. और indicator turn on करने के बाद now you want to change the lane or you want to take the turn. But उससे पहले जो most important चीज़ है वो ये है कि if you are taking a turn on your on this side, so you will have to do the shoulder blink. और shoulder blink का मतलब ये है कि आपने अपना सर ऐसे मोड़ के पीछे देखना है on the blind spot. यहाँ पे करके आपके blind spot होता है. I know it's not gonna be possible to explain it without a car, but yeah, you got the point. And मेरा जो ड्राइविंग टेस्ट था पहली दफ़ा जब मैंने अपना प्रैक्टिकल टेस्ट दिया था तो वो फेल हो गया था, और वो इसी वजह से फेल हुआ था कि मैंने लेन चेंज करने से पहले मुड़ के देखा नहीं था और बगैर मुड़े ही मैंने स्टीयरिंग घुमा दिया. And जो एग्जामिनर था उसने मुझे ये बताया कि you just failed because of this reason. So I already tell you about a few things about your practical exam. So let's officially talk about what is going to happen in your practical exam. तो जो आपका practical exam होता है it's usually from 45 to 60 minutes. और आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है जिसने आपको ड्राइविंग लेसन्स दिए हैं वो आपके साथ पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ होगा, और यू आर ऑब्वियसली गोना बी ऑन द ड्राइविंग सीट. और पैसेंजर सीट के जो पीछे वाली सीट होती है वहाँ पे आपका जो है एग्जामिनर बैठा हुआ होगा. ओके, एंड एग्जामिनर विल बी सेइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस टू यू. और उसके साथ ये है कि वो आपको बताएगा कि यू हैव टू टेक द लेफ़्ट एंड यू हैव टू टेक द राइट, यू हैव टू टेक अ यू टर्न, यू हैव टू टेक लाइक थर्ड एग्जिट इन द राउंड अबाउट एंड थिंग्स लाइक दैट. और it's a little bit gonna be scary for you, but I would say that this is not that scary. तो जो आपका driving practical exam होता है usually it's in German language, but जो चीज़ें उन्होंने कहनी है, जो इंस्ट्रक्शन आपको देनी है, दे आर वेरी बेसिक एंड वेरी सिमिलर एंड दे आर ऑलवेज गोना बी सेम. तो ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल लेसन्स आप जो है उतनी जर्मन सीख जाते हो. लाइक लेफ़्ट मुड़ने के लिए दे विल बी सेइंग बिटे रेस्ट अब बीगन, राइट मुड़ने के लिए बिकॉज रेस्ट इज़ राइट इन जर्मन, एंड लेफ़्ट मुड़ने के लिए दे विल बी सेइंग बिटे लिंक्स अब बीगन, एंड देन दे विल बी सेइंग दैट यू हैव टू स्टॉप, एमरजेंसी ब्रेक एंड थिंग्स लाइक दैट. और उसके अलावा ये है कि sometimes examiners could be really helpful to you because they will understand that you cannot speak German that well, so they will be trying to help you rather than saying the whole German sentence like bitte rechts abbiegen. They will just say rechts, and then you will know that okay, now I have to turn right. And like my examiner was so good that at the end of the exam he really knew that okay, I am not able to speak German that well, so he was just telling me that in order to take right he was just saying right, and I was like confirming from him that by saying rechts, and then he said yes, and then I took the right. So जो अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले I will tell you about different components of your driving exam. So first of all they will check how you are driving in the 30 zone, because 30 zone के अंदर जो right before left rule होता है वो follow हो रहा होता है. उसके बाद आपको वो autobahn like motorway पर drive कराएंगे गाड़ी, and then they will ask you to take a U-turn. और उसके अलावा वो आपसे parking भी कराएंगे. There are two kinds of parking, reverse parking, और वो आपको दो गाड़ियों के दरमियान में भी गाड़ी पार्क करने के लिए कहेंगे. And there is another thing, emergency brake. Emergency brake is like you are driving around 25 to 30 kilometers per hour speed, and then they will say that stop, and you have to stop very hard. It's not good for the car, but sometimes they do. In my driving exam it didn't happen, but you should also be ready. So let's talk about the most exciting and most important part. The most important part is the cost, how much this getting this driving license is gonna cost you. तो सबसे पहले ये है कि आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी अपने उसकी आपका जो पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा. अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं करवा रहे तो आप जो है यू कैन स्किप दिस अमाउंट. इट्स यूजुअली अराउंड 50 यूरोस. एंड देन जो आपने ऑसलैंडर बिहोर्डे से डॉक्यूमेंट लेना है विच इज़ गोना बी अराउंड for 20 euros, तो आपके तकरीबन 70 euros हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे विच इज़ गना कॉस्ट अनदर 50 euros, तो अब आपके 120 euros हो गए. और फिर फर्स्ट एड और जो आपका आई टेस्ट होता है इट्स यूजली कॉस्ट अराउंड 40 euros, तो इट मेक्स अप टू 160 euros. After that you will have to pay around 100 euros for your theoretical test, and then you will have to pay 50 euros per hour for the driving test, driving lessons. तो हर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पर आवर आपको 45 यूरोस पे करने पड़ते हैं. डिपेंड्स ऑन कि आप जर्मनी में कहाँ पे रह रहे हैं, किसी जगह पे जो है ये रेट ज़्यादा भी हो सकता है. तो लास्ट में जो है आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो 300 यूरोस का होगा. तो अगर हम इन सारों को कंबाइन करें तो यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड 1700 यूरोस टू 2500 यूरोस तकरीबन इतना आपको एस्टिमेट रखना चाहिए. बिकॉज मेरा जो है ड्राइविंग लाइसेंस और सारा कुछ मिला के तकरीबन 1700 यूरोस में हो रहा था, बट आई फेल्ड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ माई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जिसकी वजह से मुझे 300 यूरोस एक्स्ट्रा पे करने पड़े और एक 45 यूरोस के और जो है मुझे एक लेसन भी लेना पड़ा. तो आई एंडेड अप गेटिंग माई ड्राइविंग लाइसेंस इन अराउंड 2000 यूरोस. एंड द प्राइसेस कीप ऑन चेंजिंग. जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है. आपने ये नहीं समझना कि महंगाई जो है सिर्फ आप ही के मुल्क में, बाहर जो है हर जगह पे महंगाई है. तो प्राइसेस जो हैं वो चेंज होती रहती हैं. तो इट्स पॉसिबल दैट अगर आप ये वीडियो काफ़ी सालों बाद देख रहे हैं तो प्राइसेस जो हैं थोड़ी ज़्यादा हो चुकी हूँ. एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन. सो वंस यू हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस इट्स गोना बी वैलिड फॉर 14 years. And with the help of this driving license you can find better jobs. And आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि if you will have your driving license in Germany you can drive without any speed limits on the autobahns. और अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो पाकिस्तानी जो हैं दे आर वेरी कैजुअल ड्राइवर्स. माई सेल्फ वॉज अ वेरी कैजुअल ड्राइवर. लाइक लेन चेंज करने से पहले वी डो नॉट टर्न ऑन द इंडिकेटर. हम इंडिकेटर ऑन किए बगैर ही लेन चेंज कर लेते हैं. उसके अलावा जो है शोल्डर ब्रेक का मैंने आपको बता दिया है. शोल्डर ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. राइट बिफोर लेफ़्ट रूल इज़ नॉट फॉलोड इन पाकिस्तान. तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 30 जोन में जो है स्पीड लिमिट को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 30 की स्पीड लिमिट है तो आपने 30 पे ही चलाना है. ये नहीं कि आप वहाँ पे 50 पे चला रहे हो या आप 15 पे चला रहे हो. और अगर जो है स्पीड लिमिट ज़्यादा है, लाइक 70 की है, तो ये नहीं है कि आप उस रोड पे 35 की स्पीड पे 35 पे चला रहे हैं. तो इसकी वजह से भी वो आपको फेल कर देते हैं. That's pretty much it for now. Thanks again for watching. If you have some questions you can always comment down below. And if you want to book one-to-one appointment with me you can find the link just below the subscribe button. And if you like this video you can hit the thumbs up button, and you can watch more useful videos from this playlist that I've just shared with you on the screen. So see you around in the next video.